फिर से हाजिर हूँ ऑनलाइन सेवा पे। दोस्तों, हालांकि आप सभी जानते हैं कि जो TSC का हमारा फाइनल एग्जाम है वो स्टार्ट हो चुका है और बहुत से कैंडिडेट ने एग्जाम क्लियर भी किया है, लेकिन आज का जो टॉपिक है मैं मोस्टली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों ने पेमेंट कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया TSC पे, लेकिन उनको यूजर ID पासवर्ड नहीं मिला या फिर उनका आधार कार्ड जो आधार कार्ड की डिटेल है वो मिसमैच बता रही है, या फिर जो उनका अमाउंट है वो डिडक्ट हो गया लेकिन यूजर ID पासवर्ड नहीं मिला और अभी तक उनका अमाउंट रिफंड नहीं हुआ। तो इन सब चीज़ों को लेकर, इन सब क्वेश्चनों को लेकर TSC ने एक गाइडलाइन जारी किया है अपने वेबसाइट पे। उसी गाइडलाइन को ओपन करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि उन सब का सलूशन क्या है और आप लोगों को करना क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले गूगल पे आप जाएंगे, वहाँ पे TSC के वेबसाइट पे जाएंगे और TSC के वेबसाइट पे जाने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। तो चलिए मैं लॉगिन कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना यूजर ID और पासवर्ड डालना है, तो मैं यूजर ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देता हूँ। अब जैसे आप लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड पे, बाहर ही डैशबोर्ड में ही आप देखेंगे यहाँ पे और जनरल क्वेरी का एक ऑप्शन आ रहा, हाईलाइट हो रहा, तो इस पर आप कर देंगे क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक पेज PDF में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके सारे के सारे जो भी क्वेश्चन होंगे उन सब के सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। तो मैं तो कहूँ कि कुछ बैड न्यूज़ भी है इसमें और कुछ गुड न्यूज़ भी है, तो बैड न्यूज़ भी हम जानेंगे और गुड न्यूज़ भी जानेंगे, क्योंकि दोनों जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बात करूँ ऐसे लोग जो अपने अभी तक उनको यूजर ID नहीं मिला, तो इसके लिए इन्होंने गाइडलाइन दिया है कि आप क्या करेंगे, TSC के वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे फॉरगेट का ऑप्शन आता है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लाइव करके दिखा देता हूँ। TSC के वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे, जब आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है फॉरगेट का, तो उस फॉरगेट पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और जैसे ही OTP आएगा आप यहाँ पे अपना एक नया पासवर्ड मेंशन कर दीजिएगा। जैसे आप वो पासवर्ड मेंशन करेंगे आपके मोबाइल पे आपका यूजर ID और पासवर्ड दोनों ही सेंड कर दिया जाएगा। तो ये तो बहुत गुड, अच्छी बात है, गुड न्यूज़ भी है उन लोगों के लिए जो अभी तक अपना यूजर ID नहीं ले पा रहे थे, उन लोगों के लिए सोल्यूशन। हालांकि मैंने ये पहले भी बताया था कि आप ऐसे करके देख लीजिए, लेकिन उन्होंने अब गाइडलाइन भी निकाल दिया है, तो ये अच्छी बात है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपके बैंक से अमाउंट कटा पड़ा है, जैसे ई पेमेंट और डिडक्ट फ्रॉम सिटीजन बैंक अकाउंट एंड ही डिड नॉट रिसीव द यूजर नेम एंड पासवर्ड इन द केस सिटीजन नीड टू वेट फॉर 24-48 घंटे, आप वेट कर लीजिए, आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर कुछ ना कुछ मैसेज जरूर आएगा। तो अगर आपका आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया दोस्तों तो वीडियो से बने रहिए, आगे देखिए। यहाँ पे देखिए 7-10 दिन का टाइम लगता है, वाइल रजिस्ट्रेशन इफ सो फोन नंबर डज नॉट एग्जिट देन प्लीज वेट एज योर अमाउंट विल बी रिफंड विद इन 7-10 डे। यानी अगर आपके बैंक से अमाउंट कट गया है तो 7-10 दिन का वेट कर लीजिए। मैं तो कहूँ 7-10 दिन ने कहा, आप 15-20 दिन वेट कीजिए, आपके अकाउंट में आपका पैसा रिफंड हो जाएगा दोस्तों। सेम यहाँ पे भी है, इफ द ट्रांजेक्शन ऑन द पोर्टल इज नॉट सक्सेसफुली पेमेंट गॉट डिडक्ट फ्रॉम द यूजर बैंक अकाउंट प्लीज वेट, सेम उन्होंने वही बात किया है यहाँ नीचे भी। अब दोस्तों मेन मुद्दे की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ये तो छोटी मोटी चीज है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे फिर यही बताया गया कि अगर आपका अभी तक आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं कर रहे, इस पॉइंट 5 में बताया जा रहा है कि अगर आपका सर्टिफिकेट अभी तक डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आया या मेंशन नहीं हुआ, तो इसके पीछे का जो रीजन हो सकता है कि आपने अपना असाइनमेंट क्लियर नहीं किया, और अगर क्लियर कर दिया है तो जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है वो आपने क्लियर नहीं किया, तो आप वो दोनों क्लियर कर लीजिए। वो क्लियर करने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो मेंशन हो जाएगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट में इनकी तरफ से बताया जा रहा है। दूसरा यहाँ पे देख सकते होंगे दोस्तों, CSC यूजर नेम एंड सर्टिफिकेट नंबर आर सेम, सिटीजन कैन अप्लाई फॉर न्यू CSC रजिस्टर विद दिस नंबर। ध्यान दीजिएगा, TSC में आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो अपना नाम मेंशन किया और CSC में रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो आपने वहाँ पे, तो खैर आपका नाम वगैरह सब ऑटोमेटिक TSC के बेस पर ही आ जाएगा। अब बात आ गई आधार कार्ड की, तो अगर आपके आधार कार्ड में नाम कुछ गलत हुआ तो वो मिसमैच बता देगा दोस्तों, फिर इसका कोई सलूशन नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं ऐसे ही बड़बड़ा नहीं रहा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये खुद कह रहे हैं यहाँ पे,
कहाँ कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए यूजर नीड टू एंटर करेक्ट डिटेल इन सीईसी फ्रॉम एच पर आई डी प्रूफ। एज पर द सीईसी पॉलिसी देर इज नो ऑप्शन टू चेंज प्रोफाइल डिटेल। अगर आपने कुछ गलती कर दिया, कुछ मिस्टेक कर दिया है नाम में, तो दोस्तों आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो अब ये टीएससी की तरफ से आप कुछ भी कह लीजिए, मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है, क्योंकि पैसा जब कट गया है तो नाम चेंज करने का भी उनको ऑप्शन देना चाहिए था, कुछ तो ऑप्शन देना चाहिए था, भले ऑफलाइन ही दे देते कि डिपार्टमेंट के पास जाए कुछ हेल्प करे, लेकिन इन्होंने तो यहाँ पे साफ साफ मना कर दिया। तो ये पैसा कमाने का एक नया जरिया हो गया कि आप दोबारा से प्रोसेस करें, दोबारा से किसी और मोबाइल नंबर से वहाँ पे आईडी वगैरह बनाए, अपना आधार नंबर वगैरह सही डालें और फिर से 1500 रुपये की पनौती लगाए। तो ये आप दोस्तों कुछ नहीं कर सकते हम इसके अंदर। अब यहाँ पे नीचे इन्होंने फ्रिक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 50 क्वेश्चन आएंगे जो मल्टीपल चॉइस होगा, कोई नेगेटिव क्वेश्चन नहीं होंगे। 50% यानी 25 नंबर वाला पास माना जाएगा। 10 से 5 बजे के बीच में आप अपना एग्जाम दे सकते हैं जो कि मंडे टू सैटरडे ऑन रहेगा। मिनिमम सिस्टम आप जिस सिस्टम पर बैठेंगे उसकी रिक्वायरमेंट भी इन्होंने बता दी है कि विंडो 10 होना चाहिए, ओएस सपोर्टेबल हो और कम से कम 4 GB रैम हो उसके अंदर, तभी आप ये एग्जाम दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। और उसके बाद आपका वेबकैम बिल्कुल प्रॉपर काम करना चाहिए, या फिर बाहर से लगा ले, जो आपके कंप्यूटर में बैठे हैं तो वेबकैम का अरेंज कीजिए, लगाइए। लैपटॉप में बैठे तो लैपटॉप में वेबकैम ऑलरेडी होता ही है दोस्तों। आपकी जो नेट की स्पीड है वो कम से कम 1 MBPS स्पीड होनी चाहिए, ये भी कह रहे हैं कि 1 MBPS स्पीड होनी चाहिए। और फिर जब आप बैठेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठेंगे, लाइट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपकी तस्वीर वहाँ पे दिखे, जैसे कि आप लोगों से मॉडलिंग करवाने वाले हैं। तो दोस्तों मैं कुछ नहीं कह सकता, जितनी मेरे बस में थी मैंने आप लोगों की हेल्प कर दी है। अब दोस्तों जो TEC का वेबसाइट है वहाँ पे मेल आईडी है, मैं तो कहूँ कि आप मेल कर करके परेशान कर दीजिए, दिन में 50 बार मेल कीजिए ताकि वो रिप्लाई करें, और एक बार डिपार्टमेंट जरूर होके आइएगा दोस्तों, वहाँ पे जाके बात कीजिए, शायद वो सोल्यूशन दे दे, क्योंकि इन्होंने वेबसाइट पे ऐसा लिख दिया है कि आप अपने प्रोफाइल में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। बट जहाँ तक मेरा विचार है वो ये है कि आपको एक बार डिपार्टमेंट जाना चाहिए, बात करना चाहिए, वहाँ प्रूफ दिखाना चाहिए, और उनसे अगर आप बात करेंगे तो शायद वो आपकी बात सुन भी लें और कुछ कर दे, कुछ सोल्यूशन निकाल कर दे आपको। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, और टाइम टू टाइम आपके नोटिफिकेशन मिलता है उसके लिए बेल बटन को भी ऑन कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, थैंक यू सो मच।